हेलो गाइस, तो एक बार फिर से स्वागत है मेरी न्यू वीडियो में। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं कि रोमानिया में क्या एक स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब कर सकता है और कितना कितने टाइम तक कर सकता है, उसकी सैलरी क्या होती है, क्या जॉब होती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने बारे में। वैसे मैंने ऑलरेडी सारा कुछ बता दिया अपने बारे में। मेरा नाम चंचल यादव, इंडिया से बिलोंग करता हूँ और मेरे को लास्ट 2 ईयर हो चुके हैं रोमानिया में। मेरे को रोमानिया प्रॉपर आती है, रोमानिया की जो भाषा है मेरे को प्रॉपर आती है। और तीसरी बात, मेरे को बहुत सारा एक्सपीरियंस है इधर। और पास की जो कैपिटल होगी रोमानिया की, बुकारेस्ट, क्रायोवा, क्लोज, बहुत सारी सिटी का मेरे को बहुत सारा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने ट्रैवल की है इधर इस सारी सिटी में। जो भी रोमानिया की सिटी हैं मैंने ज़्यादातर सारी सिटी में ट्रैवल की है। तो आज बात करते हैं कि स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब कैसे कर सकता है, कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट के लिए पार्ट टाइम जॉब करना इजी होता है, हार्ड होता है। जॉब एक स्टूडेंट जॉब कर सकता है 4 घंटे उसको अलाव होता है, यानी एक वीक में 20 घंटे जॉब कर सकता है। और जॉब वो कैसे पा सकता है, सैलरी क्या होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जॉब वो एक ऐप होता है, रोम ऐप, उसका मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जो यहाँ पर हैं जिन्हें जॉब नहीं मिल रही है वो, और जो आना चाहते हैं उसके बाद जॉब करना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं वहाँ से। और तीसरी बात करें सैलरी क्या होती है, तो भाई यहाँ पर मैं बता दूँ, सैलरी डिपेंड करती है आपके जॉब पे, मतलब किस फील्ड में, या रेस्टोरेंट हो गया, या फिर डिलीवरी का हो गया, या फिर मॉल में हो गया, किस जगह पे आप काम करते हैं, गार्ड का हो गया, तो आप पर डिपेंड करता है। फिलहाल कितना भी कम 5 यूरो पर आवर मिलता है हर जगह पे, 5 यूरो प्रॉपर। कहीं भी आप काम कर लो किसी भी फील्ड में, तो इतना तो कम से कम मैंने बता दिया कि 5 यूरो पर आवर का मिलता है। अगर हाँ, अगर स्टूडेंट जैसे मेरे से कमेंट किया था, मेरे से पूछा था कि 4 ही घंटे काम कर सकता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन जो रूल्स होते हैं यहाँ के, रूल्स के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट होता है उसको 4 घंटे अलाव होता है। लेकिन अगर आपका जो बॉस जो भी जहाँ भी काम कर रहे हैं, अगर वो कहता है, अगर तुम्हारा मन है तो तुम एक्स्ट्रा टाइम कर सकते हो, कोई दिक्कत ना होती है, एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हो, उसको एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलती है, आपको टिप वगैरह भी मिलती है। डिपेंड करता है जितने भी फेस्टिवल आते हैं, हर फेस्टिवल पे टिप भी मिलती है। सबसे बेस्ट की बात करूँ तो सबसे बेस्ट है यहाँ पर डिलीवरी का काम करना, वो आप खुद कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है। अपना जो भी तीन चार हैं डिलीवरी का, जैसे ग्लोबो हो गया, ताज हो गया, एक और है, तो उस पे आपको वहाँ पर जाके ऐप डाउनलोड करना है। सबसे पहले ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी आईडी बनानी है, उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है, जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतना ज़्यादा अर्निंग होती है। आपको फूड हो गया या फिर दूसरी चीज़ हो गई, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना होता है। जो भी ऑर्डर करता है ऑनलाइन, आपको ऑर्डर मिलते रहते हैं आपकी आईडी पे, वो आते रहते हैं, तो आप ऐसे ये काम भी कर सकते हो। और ये तो होगी जानकारी स्टूडेंट के बारे में। अगर गाइज आपको और मेरे से ज़्यादा रोमानिया के बारे में, जो सिटी हैं उसके बारे में आपको जानना है कि क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए पहले दिन आकर, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है, तो उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दूंगा। आप वहाँ से जाकर देख सकते हो कि पहले दिन हम क्या कर सकते हैं रोमानिया में। और उसके बाद अगर आपको मेरे से बात करना है तो मैं सारा कुछ अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा। आप मेरे को वहाँ से SMS कर सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।